बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में भी मंत्री रहे उनको जिम्मेदारी दी गई है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सर पहले क्या प्राथमिकताएं रहने वाले क्योंकि कांग्रेस जो है नब्बे के पहले कुछ थी उसके बाद से स्थिति उसकी बिहार में कमजोर होती गई तो पार्टी के मजबूती के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं हमको हम ऑलरेडी कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं हम लोग लगभग नौ सौ हजार किलोमीटर की दूरी तय किए हैं और या भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ था मंदार पर्वत से पटना में आके उसको अभी विश्राम में है यात्रा फिर गया तक जाना है इस प्रोसेस में जो वर्कर्स जो कार्यकर्ता जो नेता हम लोगों को दिख रहे हैं सब हम लोग समझ रहे हैं फिर उनको संगठन में लाएंगे संगठन को धारदार बनाएंगे संगठन की व्यापक व्यापकता को बढ़ाएंगे मजबूत बनाएंगे और जैसा कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो लोगों की आकांक्षा है जो लोगों का बिहार के लोगों का आशा है उसके अनुरूप कांग्रेस बनाएंगे एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी की रैली बिहार में होगी जब जो भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी फेज समाप्त होगा उसके बारे में हम सभी बिहार कांग्रेस के सभी लोग चाहते हैं कि जब समापन हो इस भारत जोड़ो यात्रा का तो उसमें राहुल गांधी जी आके संबोधित करें और ये शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे गया गया में, में बोध गया में उसका समापन होना है तो अब चूंकि बीच में कांग्रेस का अधिवेशन है रायपुर में तो हो सकता है उसके बाद राहुल जी की का बने प्रोग्राम और हम लोग उनको बुलाएंगे आपकी ताजपोशी ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस यहाँ महागठबंधन सरकार में शामिल है तो आपके अभी उन्नीस विधायक है दो मंत्री है तो मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा अब इस पे रोज रोज तो बात हो नहीं सकती है मंत्रिमंडल की बात जहाँ मुझको कहनी थी मैं कह चुका हूँ मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा कांग्रेस पार्टी के लोग और लोग शामिल होंगे बोल चुके हैं कि नीतीश साहब की बात हुई लेकिन तेजस्वी जी कहते हैं आदरणीय खड़गे साहब की भी बात हो चुकी है मुख्यमंत्री जी से तो अब उसमें रोज एक ही न्यूज कितना दिन चलेगा अब जब होगा तो हो जाएगा उधर सर अगला साल लोकसभा चुनाव भी आ रहा है राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसको सफलता भी मिली देश में काफी तो क्या ये आपकी मांग होगी कि राजद और जदयू भी राहुल जी के नेतृत्व में आए और विपक्ष को मजबूत करें नहीं ये हम लोगों का पार्टी का अपना कार्यक्रम है जैसे जनता दल यु का अपना कार्यक्रम है राष्ट्रीय जनता दल का अपना कार्यक्रम वो लोग चलाते हैं उसमें नहीं अब रैली होगा कोई जब एक फोरम है तो उसमें जहां जरूरत है वहां सब लोग हम लोग मिलते हैं सब लोग बात करते हैं अभी महागठबंधन की रैली होने वाली है 25 तारीख को तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है बाकी पार्टियां भी शामिल हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू भी शामिल है सब लोग मिलकर ही रैली कर रहे हैं एक आखिरी सवाल है मेरा एनडीए का चेहरा मोदी जी होंगे तो उनको टक्कर कौन दे सकता है क्या राहुल के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होगा तब मोदी को टक्कर दिया जा सकता है या नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और कांग्रेस उनको समर्थन करे इस सवाल का उत्तर जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये नीतीश जी तो खुद ही एक बार बोल चुके हैं और अगर सही मायने में देश में संसद में या संसद के बाहर कोई मोदी की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है मोदी से आंख में आंख डाल के कोई बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी हैं बाकी अब 2024 के चुनाव के बाद पहला प्राथमिकता तो ये होना चाहिए कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब दस्त करें केंद्र से उसके बाद नेता स्वाभाविक है कि सब लोग मिलजुल के चुन लेंगे कहा मालूम था 2004 में कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन सभी नेता सभी पार्टियों के नेता मिले कांग्रेस पार्टी ने तय किया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने दस साल प्रधानमंत्री रहे तो उसी में इसमें कोई अभी हड़बड़ी का न तो जरूरत है और सभी नेता परिपक्व हैं जो भी जिस दल के हों प्रधानमंत्री और लीडर चुनने में कोई कठिनाई नहीं होती है तो ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार एबीपी न्यूज पटना